हेलो दोस्तों, आज अपन जो अगले डिस्कशन करने वाले टॉपिक वो है समाकलन इंटीग्रेशन के बारे में। इससे पहले अपन ने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था, अवकलन के बारे में पढ़ा, सारे उसके सूत्र पढ़े थे, सारे फॉर्मूले अपने लिखे थे कि किस फॉर्मूला कहाँ यूज आएगा, वो क्वेश्चन भी अपन ने अटेम्प्ट किए थे, काफ़ी अपने उसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, जो फिजिक्स के अंदर यूज आ रहे हैं, मैथमेटिक्स के अंदर यूज आ रहे हैं, उन सभी के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आगे अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में। तो हेडिंग रहेगी अपनी इंटीग्रेशन। क्या हेडिंग है अपनी? इंटीग्रेशन समाकलन। बेसिकली समाकलन है ये जो अवकलन था उसका अपोजिट है, उसका विलोम शब्द है। किसका? अवकलन का। जो अपन ने पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था उसका अपोजिट वर्ड क्या है? इंटीग्रेशन। उसका अपोजिट वर्ड क्या है? इंटीग्रेशन। इट इज अपोजिट वर्ड या इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। समाकलन क्या है? इट इज अपोजिट। ये क्या है? अपोजिट वर्ड है। इट इज अपोजिट ऑफ किसका अपोजिट है? डिफरेंशिएशन का। इसका डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट वर्ड है। डिफरेंशिएशन का अपोजिट वर्ड है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसका सिंबल क्या रहेगा? इसको किस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, उसका डी अपॉन डी एक्स उसका सिंबल था। डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या था? डी अपॉन डी एक्स। इसका सिंबल क्या रहेगा? किसका? इंटीग्रेशन का, समाकलन का सिंबल क्या रहेगा? तो इसका सिंबल इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंट, या सिंबल लिख सकते हैं, इट्स सिंबल। इसका सिंबल क्या रहेगा? सिंबल कौन सा सिंबल? ये वाला। ये कौन सा सिंबल है? देखो किस टाइप का सिंबल है। जो सांप होता है, सांप उसका जो चेहरा होता है, मुंह होता है, उस टाइप से ठोड़ी करता है, उस टाइप से इसका ये सिंबल रहेगा। इसको रिप्रेजेंट इस टाइप से किया जाएगा। इसके अंदर जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वो आ जाएगा, या डी एक्स डी वाई जिसके भी रेस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं। तो सिंबल क्या रहेगा समाकलन का, इंटीग्रेशन का? ये सिंबल रहेगा इसका, नोटिफिकेशन, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ठीक है, अगला तो इंटीग्रेशन है। वो वैसे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट जिसके अंदर एक फिक्स वैल्यू के बीच में ही अपने को इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे एक्स इक्वल टू टू से एक्स इक्वल टू फोर के बीच में एक्स एक फंक्शन है एक्स, उसके अकॉर्डिंग अपने को इंटीग्रेशन करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने को एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इसका इंटीग्रेशन करना है, एक्स की किस वैल्यू पे? टू से फोर पे। तो ये क्या रहेगा? डेफिनेट रहेगा। क्या रहेगा? ये डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये क्या रहेगा? डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा। और यदि लिमिट नहीं है, देखो ये इसको क्या कहते हैं? लिमिट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लिमिट। इसको कहते हैं लिमिट। तो ये लिमिट है। ये कौन सी लिमिट है? लोअर लिमिट है। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। ये कौन सी लिमिट है? अपर लिमिट। जब इंटीग्रेशन लिमिट में हो रहा है, देखो इस ये लोअर लिमिट से अपर लिमिट इस वैल्यू के बीच में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो अपन उसको क्या कहेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो ये क्या रहेगा? लिमिट के अंदर नहीं रहे हो रहा है इंटीग्रेशन, तो उसको क्या कहेंगे? इनडेफिनेट, नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट। ये कौन सा रहेगा? इनडेफिनेट। ये कौन सा इंटीग्रल रह जाएगा? इनडेफिनेट इंटीग्रल। जहां लिमिट के बीच में इंटीग्रल हो रहा है, समाकलन हो रहा है, तो रहेगा डेफिनेट। और जो लिमिट के अंदर नहीं हो रहा है उनको क्या कहेंगे? इनडेफिनेट। उसको क्या कहेंगे? इनडेफिनेट, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब अपन पढ़ते हैं कि इसके फॉर्मूले क्या है, किस टाइप से करेंगे। ये तो अपने पता लग गया कि ये डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, इसका सिंबल ये है, किसको डेफिनेट कहते हैं, किसको इनडेफिनेट कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं इसके सूत्रों पर, इसके फॉर्मूलों पर अपन चलते हैं। तो पहले इसके फॉर्मूले डिस्कशन कर लेते हैं, इसके सूत्र क्या है वो डिस्कशन कर लेते हैं। उनको डिस्कशन करने के बाद अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे, जिससे अपने पता लग जाएगा कि समाकलन है, इंटीग्रेशन है, वो किस टाइप से करना है। तो जैसे डिफरेंशिएशन का बेसिक सूत्र था x की पावर n का, वैसे इसमें भी x की पावर n का बेसिक सूत्र है। तो देखो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं कुछ। सबसे पहले x की पावर n क्या है, x की पावर n dx, ये है इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। x की पावर n dx का इंटीग्रेशन समाकलन, इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n नॉट इक्वल टू माइनस वन, n नॉट इक्वल टू माइनस वन, कि n की वैल्यू यहाँ क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस वन नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए। x की पावर n dx का समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वो क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, जो पावर है उसमें एक प्लस करना है, और जो फिर पावर बनेगी, जो न्यू पावर बनेगी, जो नई घात बनेगी, उससे वापस क्या करना है, डिवाइड करना है। तो x की पावर n का समाकलन क्या होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ये बेसिक सूत्र है किसका, समाकलन का, इंटीग्रेशन का। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला रहेगा, यदि अपने पास लिखा हुआ है ऐसा ओनली dx, क्या लिखा हुआ अपने पास, ओनली dx लिखा हुआ है, तो dx का समाकलन क्या होगा। तो देखो dx को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx, क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 dx, x की पावर 0 का मतलब क्या रह गया, x की पावर 0 1, x की पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां पे 1 ही था, तो इस 1 को अपन ने क्या लिख दिया था, x की पावर 0 dx। तो आगे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, और ये क्या बन जाएगा, x, तो ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। ये अपना सेकंड हो गया। थर्ड क्या होगा, देखो थर्ड के अंदर यदि अपने पास लिखा हुआ है सी डी एक्स, क्या लिखा हुआ है, सी डी एक्स, सी इज द कॉन्स्टेंट, तो ऐसा लिखा है फाइव डी एक्स लिखा है, जैसे कॉन्स्टेंट के लिए, जैसे फाइव फोर थ्री इस टाइप के न्यूमेरिकल वैल्यू आए और डी एक्स आए, उसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो क्या होगा, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये तो क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, अंदर क्या बचा, dx, अंदर क्या रहा, dx, अंदर क्या रह गया, dx, और अपन अभी निकाला था dx का क्या होता है, x होता है, dx का क्या होता है, x, तो ये क्या हो जाएगा, cx, क्या हो जाएगा, cx, कॉन्स्टेंट होता है, कॉन्स्टेंट का होता ही नहीं है, वो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल गया, ओनली dx का होगा, dx का क्या हो जाता है, x हो जाता है। फोर्थ नंबर, दीदी अपने पास ऐसा लिखा हुआ है सी यू फिर डी एक्स, ऐसा लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, सी कॉन्स्टेंट है, सी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर यू डी एक्स, यू डी एक्स, और यू क्या है, यू इज द फंक्शन ऑफ, यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यू क्या है, एक्स का फंक्शन है, फलन है। तो यदि इस टाइप से लिखा हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन समाकलन क्या होगा, सी बार आएगा यू डी एक्स, ठीक है। फिफ्थ नंबर, यदि अपने पास लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस वी इंटू डी एक्स, यदि इस टाइप का फॉर्मेट लिखा हुआ है यू प्लस वी, यू एंड वी इज द आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स, यू एंड वी दोनों एक्स के फलन है, तो उसका समाकलन, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा U का इंटीग्रेशन अलग कर दो प्लस V का इंटीग्रेशन अलग कर दो, और दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्लस के अंदर, देखो डिफरेंशिएशन में भी इसी टाइप का था, डिफरेंशिएशन में भी क्या था, दोनों का क्या कर दो, अलग अलग करके प्लस कर दो, इंटीग्रेशन में भी क्या है, दोनों को अलग अलग करो इंटीग्रेशन और प्लस कर दो, ठीक है। और U एंड V इज द फंक्शन ऑफ X, इज द फंक्शन ऑफ X, दोनों ही x के फलन है। अगला अपना क्या रहेगा, सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर अपना सूत्र है, फॉर्मूला है, वो रहेगा e की पावर x, क्या रहेगा, e की पावर x dx, e की पावर x dx क्या रहेगा, देखो
अवकलन के अंदर भी, डिफरेंशिएशन के अंदर भी e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन के अंदर भी e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होगा, e की पावर x, ठीक है। यदि नेगेटिव पावर आ जाए, सेवंथ नंबर क्या रहेगा, सेवंथ है x की पावर माइनस वन, x की पावर माइनस वन, x की पावर माइनस वन डी एक्स। यदि अपन इस सूत्र से चलते हैं, देखो यहां मैंने पहले ही नोट बता रखा है कि n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, माइनस वन नहीं हो सकती। यदि ऐसा लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, ऐसे नहीं माइनस वन प्लस वन किया यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो फिर जीरो होते पूरा जीरो बन जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो नहीं होगा, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन होगा जीरो नहीं होगा। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए वन बाई एक्स, पावर माइनस वन है नीचे आते प्लस का हो गया, वन अपॉन एक्स डी एक्स, और वन अपॉन एक्स डी एक्स अपन ने डी अपॉन डी एक्स निकाला था किसका, लॉग एक्स का, किसका निकाला था, लॉग एक्स का, वो क्या आया था, वन अपॉन एक्स आया था, वन अपॉन एक्स डी अपॉन डी एक्स निकाला था लॉग एक्स का, तो वन अपॉन एक्स आया। तो यदि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, समाकलन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन कर किया मैंने, तो वापिस क्या आना चाहिए, वन अपॉन एक्स का किया तो लॉग एक्स आ जाना चाहिए, क्या आ जाना चाहिए, लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, वन बाई एक्स, मतलब दोनों अपोजिट हो गए। मैंने क्या कहा, इट इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो क्या आएगा, लॉग एक्स, क्या आ जाएगा, लॉग एक्स, बेस ई के अंदर लॉग एक्स आ जाएगा। ये अपना सात नंबर सूत्र हो गया। देखो सभी के अंदर ऐसा नहीं, इसी के अंदर ही अपोजिट है, सभी के अंदर ही अपोजिट है। यदि मैं यहां से वापस जाऊंगा, समाकलन कर इसका, वन अपॉन एक्स का, ये एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का वापस से क्या करूं, समाकलन करूं, तो एक्स की पावर एन आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा दोनों अपोजिट चलते हैं, इसका वापस से समाकलन करूंगा तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एन आ जाएगा। एट्थ वाला सूत्र देखो, ये जो सात तक मैंने लिखे हैं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट्थ वाला, जो मल्टीप्लाई के अंदर आता है, एट्थ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आठ नंबर सूत्र, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स, यू वी डी एक्स, यू वी डी एक्स, इसमें यू एंड वी क्या है, इसके अंदर यू एंड वी क्या है, यू एंड वी इज द फंक्शन ऑफ, इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दोनों क्या एक्स के फंक्शन है। यदि ऐसे मल्टीप्लाई में आता है तो इसके लिए एक सूत्र आता है, उसके अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया जाता है। ऐसे नहीं कि पहले एका कर दिया दूसरे कर दिया, उसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन मान के करना पड़ता है। दोनों ही फंक्शन है, पहला फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है, ये दोनों ही फंक्शन है, तो इनको अपन फंक्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अपने क्या करना पड़ेगा, फंक्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ये दोनों ही क्या है, फंक्शन है, दोनों ही क्या है, फंक्शन है, तो अपने को फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। और अपन इस फॉर्मूले से आई लेट जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग फंक्शन डिसाइड करेंगे, क्या करेंगे, फंक्शन डिसाइड, इससे फंक्शन डिसाइडेड होगा, इससे फंक्शन डिसाइडेड होगा। देखो यदि आई आ रहा है तो आई के लिए क्या होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल आ रहा है तो क्या होगा, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ए आ रहा है तो इससे लीनियर नहीं होगा, एल से लॉगरिथम, एल से क्या हो जाएगा, लॉग वाला फंक्शन, लॉग फंक्शन। ए से क्या होगा, ए से हो जाएगा एलजेब्रिक, एलजेब्रिक। टी से क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री, और ई से क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ई से क्या होगा, एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स वाले, इस टाइप से ए की पावर एक्स वाले। तो
यदि मल्टीप्लाई के अंदर दो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, यदि दो मल्टीप्लाई के अंदर फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, तो इन दोनों में पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड फंक्शन कौन सा है। फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, और वो डिसाइड होगा आई लेट से। ये जो आई लेट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। यदि आई है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल है तो लॉगरिथम वाले फंक्शन, और ए है तो एलजेब्रिक वाले, टी से आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री वाले, ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब हो गया एक्सपोनेंशियल। यदि सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं उनमें से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला है तो उसको एक नंबर देंगे, यदि यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है तो उसको क्या देंगे? एक नंबर देंगे। उसके अलावा जो भी बाद में रहेगा उसको दो नंबर दे देंगे। यदि इस टाइप के आ रहे हैं तो उनको एक नंबर दिया जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रिक आ रहा है, यहाँ दो फंक्शन आ रहे हैं यहाँ पे, एक तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और एक एलजेब्रिक, एलजेब्रिक को दो नंबर और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को एक नंबर। यदि लॉग वाले और ट्रिग्नोमेट्री वाले आ रहे हैं तो लॉग वाले को एक नंबर और ट्रिग्नोमेट्री वाले को दो नंबर, इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। ये अपन इस पे इसका क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। ये डिसाइड होने के बाद में जैसे मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। यू इज द फर्स्ट एंड वी इज द सेकंड, यू इज द फर्स्ट एंड वी इज द सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन का क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। देखो v मल्टीप्लाई में आएगा, फर्स्ट फंक्शन का क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। फिर आता है माइनस, फर्स्ट फंक्शन का क्या हो गया? इंटीग्रेशन हो गया, और सेकंड फंक्शन क्या आ गया? सेम आ गया। फिर माइनस, फर्स्ट फंक्शन का क्या हुआ? डिफरेंशिएट। फर्स्ट फंक्शन का क्या हुआ? डिफरेंशिएट हुआ। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और सेकंड फंक्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। तो ध्यान से देखना, यू और वी है वो क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। डिसाइड होने के बाद में यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड लगेगा कि फर्स्ट फंक्शन क्या आएगा, सेकंड फंक्शन क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड होगा। और ये डिसाइड होने के बाद में, ये डिसाइड होने के बाद में फिर अपन इसका क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन डिसाइड हो गए, फर्स्ट और सेकंड डिसाइड हो गए, इसके बाद में क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट क्या आएगा? सेम आएगा। तो फर्स्ट मैंने किसको माना है? यू को। तो फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, फर्स्ट का डिफरेंशिएट इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन v dx। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन बड़ा लगा देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई वी डी एक्स। फिर इस पूरे का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। इस पूरे का क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन। तो देखो क्या फॉर्मूला बना, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर जो पूरा आया उसका फिर से एक बार और इंटीग्रेशन होगा, यह माइनस का साइन आएगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का एक साथ एक बार और इंटीग्रेशन, और ये फाइनल अपना फॉर्मूला जाएगा। अब अपन पढ़ते हैं इसके बाद में। देखो प्लस वाला हो गया, मल्टीप्लाई वाला हो गया, ई की पावर एक्स वाला हो गया, ले यहां डिस्कशन कर लेते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्या रहेंगे? ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर पहला, सबसे पहले साइन, ठीक है, साइन का इंटीग्रेशन, कोस का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर डी एक्स। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका इंटीग्रेशन। तो साइन का क्या रहेगा? माइनस कोस एक्स। क्या रहेगा? माइनस कोस एक्स। देखो डिफरेंशिएट के अंदर माइनस कब आ रहा था? सी से स्टार्ट होने वाले जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे उसके अंदर माइनस आ रहा था। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें याद करना पड़ेगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो माइनस कोस एक्स, और कोस एक्स का होगा तो साइन एक्स, कोस एक्स का होगा तो साइन एक्स, और सेक स्क्वायर का होगा टेन एक्स, सेक स्क्वायर का टेन एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसका क्या हो जाएगा? माइनस कोट एक्स, माइनस कोट एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होगा? सेक एक्स टेन एक्स
डी एक्स, sec x tan x dx का इंटीग्रेशन होगा sec x, और cosec x cot x dx इसका आ जाएगा माइनस cot माइनस cosec माइनस cosec x। तो ये सिक्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन हो गए कि sin x dx का क्या हो जाएगा माइनस cosec x, cosec x का क्या हो जाएगा sin x, sec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा tan x, cosec स्क्वायर x dx का क्या हो जाएगा माइनस cot x, sec स्क्वायर tan x नहीं sec x tan x का क्या होगा sec x, cosec x cot x का क्या होगा माइनस cosec x। देखो माइनस कहां कहां आ रहा है, एक तो sin वाले में और एक cosec cosec वाले में। देखो इसमें cosec स्क्वायर x माइनस cot x या cosec x cot x, तो माइनस cosec x कहां कहां आ रहा है, एक तो sin के साथ माइनस आ रहा है sin का हो रहा है तब, एक cosec स्क्वायर का हो रहा है तब, और एक cosec x cot x का हो रहा है तब, तीन जगह माइनस आ रहा है। तो ये अपने को याद करना पड़ेगा कि कहां का माइनस रहेगा कहां का माइनस आएगा फॉर्मूले के अंदर। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। इसके अलावा और एक दो फॉर्मूले हैं वो भी देख लेते हैं। एक फॉर्मूला ये है अपना ट्रिग्नोमेट्री के अलावा, a की पावर x क्या है, a की पावर x, देखो log x वो तो होते नहीं है, a की पावर x e की पावर x इस टाइप से होता है। तो a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x का होगा log a की पावर x, log a की पावर x का होगा a की पावर x log e a, और यदि यही e की पावर x होता तो e की पावर x log e e, और उसकी वैल्यू क्या हो जाती, वन हो जाती। तो अपना ये आ जाएगा एक फॉर्मूला, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का। ये ट्रिग्नोमेट्री वाले हो गए। अब अपन क्या कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं कि किस टाइप से इस पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स डी एक्स, अंडर रूट एक्स का अपने क्या करना है, समाकलन करना है, इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स का, अंडर रूट एक्स का समाकलन करना है इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले एक्स की पावर कितनी है, वन बाई टू है, इसको इस पावर में चेंज कर लिया, एक्स की पावर वन बाई टू डी एक्स इसमें अपन ने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो x की पावर n वाला सूत्र लगेगा, x की पावर n वाला, तो x की पावर 1 बाई टू प्लस वन अपॉन 1 बाई टू प्लस वन अपॉन 1 बाई टू प्लस वन, x की पावर 1 बाई टू प्लस वन, x की पावर 3 बाई टू क्या हो जाएगा 3 बाई टू, आधा प्लस एक 3 बाई टू, और नीचे भी क्या रहेगा 3 बाई टू, और ये आगे सोल्व होके 2 ऊपर चला जाएगा 2 अपॉन 3 एक्स की पावर 3 बाई टू। ये अपना इंटीग्रेशन आ गया किसका, इसका एक्स की पावर 1 बाई टू डी एक्स का। क्वेश्चन नंबर सेकंड है अपना इंटीग्रेशन ओ 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये अपना एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है ये 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। तो इसका इंटीग्रेशन अपन कैसे डील करेंगे इस क्वेश्चन को, तो देखो ये एक टर्म से ये टर्म है और ये टर्म है, तीन पद है इसके अंदर, कितने पद है, तीन, और अपन ने u प्लस v का सूत्र पढ़ा था, u प्लस v का, कि दो अलग अलग फंक्शन यदि प्लस के अंदर है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो इसमें एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन है, या पूरे को एक एलजेब्रिक मान के करें तो भी सोल्व हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर ये dx मल्टीप्लाई होगा इसे 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तीनों टर्म्स का अपन ने क्या कर दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें 3 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, किसका होगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, इसमें 2 का नहीं रहेगा x का होगा, और यहाँ डी एक्स है, डी एक्स का कितना होता है, ये x की पावर 0 है तो इसका भी इंडिकेशन निकाल देंगे 3 x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 2 x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1,
नेक्स्ट स्टेप देखो, 2 + 1 = 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा x की पावर 3, यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x, ये अपना हो गया 3x² + 2x + 1 का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1, इसका इंटीग्रेशन इस प्रोसीजर से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, e की पावर x और लिखा हुआ है 3x + 1 dx। इसमें क्या है, दो फंक्शन आ गए, क्या आया इसमें, दो फंक्शन आ गए, एक फंक्शन है ये और एक फंक्शन है ये, अब कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। तो अपन ने आई लेट फॉर्मूला पढ़ा था, ILATE, आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, एल लॉगरिथम वाले, ए एलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंशियल। तो इसके अंदर एक्सपोनेंशियल तो ये है e की पावर x और ये है एलजेब्रिक, ये कौन सा है एलजेब्रिक और ये है एक्सपोनेंशियल। तो एलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल से पहले कौन सा आ रहा है, एलजेब्रिक वाला आ रहा है, एक्सपोनेंशियल वाला बाद में आ रहा है। तो एक्सपोनेंशियल वाले को अपन ने क्या दे दिया, 2 नंबर, और एलजेब्रिक वाले को अपन ने क्या दे दिया, 1 नंबर। ठीक है, जो पहले आ रहा है उसका पहले नंबर आएगा, जो बाद में आ रहा है उसका बाद में नंबर आएगा। तो इसका अपन ने सूत्र क्या पढ़ा था, इसका सूत्र पढ़ा था कि फर्स्ट फंक्शन सेम। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, 3x + 1, तो फर्स्ट फंक्शन सेम आ गया। सेकंड फंक्शन का क्या था, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, तो सेकंड फंक्शन का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया माइनस, फिर क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये इंटीग्रेशन का साइन आएगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट d/dx 3x + 1, इस फर्स्ट फंक्शन का क्या आ गया, डिफरेंशिएट आ गया। फिर मल्टीप्लाई के अंदर क्या आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e की पावर x dx, और फिर ये पूरा का पूरा क्या आएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा, वापिस एक बार और इंटीग्रेशन करना। इसको अपन ने इंटीग्रेट के फॉर्मूले में लिख दिए, आगे क्या करेंगे, देखो e की पावर x dx, e की पावर x का समाकलन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x, 3x + 1 e की पावर x माइनस 3x + 1 का डिफरेंशिएट, 3x + 1 का डिफरेंशिएट, तो 3x + 1 का डिफरेंशिएट 3 बाहर आ जाएगा, x का कितना हो गया 1 हो गया, और 1 का डिफरेंशिएट 0, इंटीग्रेशन ऑफ यहां क्या आ जाएगा 3x का कितना हो गया 1 हो गया, मल्टीप्लाई e की पावर x, इसका क्या हो जाएगा, एक बार से वापस हो जाएगा, क्योंकि e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो ये e की पावर x, और इसका किया डिफरेंशिएट तो 3, इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x + 1 e की पावर x, और यहाँ 3 e की पावर x, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आगे 3x + 1 e की पावर x माइनस 3 e की पावर x, क्योंकि देखो 3 बार आ जाएगा कॉन्स्टेंट है, e की पावर x का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। ठीक है, फिर अपन क्या करते हैं, e की पावर x को कॉमन ले लेते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा इसमें, e की पावर x को कॉमन लेना पड़ेगा, तो अपन ने इसको कॉमन ले लिया e की पावर x को, तो 3x + 1 माइनस 3, कॉमन लेने पर e की पावर x बाहर आ गया, 3x + 1 ये माइनस 3, e की पावर x 3x + 1 माइनस 3, 3x - 2, दिस इज फाइनल आंसर। तो ये अपन ने क्वेश्चन लिया था e की पावर x 3x + 1 dx, इसका अपने को क्या करना था, इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेशन करना था, समाकलन करना था। तो अपने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कंसिडर किए, किस फॉर्मूले से, आई लेट फॉर्मूले से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के बाद फिर इंटीग्रेशन किया, फर्स्ट फंक्शन सेम आता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तब जाके अपना पूरा इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अपने पास था 3। अपन एक दो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन है उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, साइन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कोस एक्स, और सेक स्क्वायर का क्या होता है, देखो ये दो प्लस के अंदर है तो यहां तो क्या करें अलग अलग कर दो वो फिर ऐड कर दो, या डायरेक्ट इंटीग्रेशन करके ऐड कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स का क्या होगा माइनस कोस एक्स, और सेक स्क्वायर का क्या आ गया टेन एक्स। ये अपना फाइनल आंसर, ये अपना फाइनल आंसर आ गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री अपॉन एक्स की पावर माइनस फोर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आएगा। तो थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले इसको अलग अलग करके लिख देंगे, थ्री अपॉन एक्स की पावर फोर डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, अलग अलग करके लिख दिया इनको। फिर क्या देखो, पावर नीचे है प्लस के अंदर है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। थ्री एक्स की पावर माइनस फोर डी एक्स प्लस टू एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स, ऐसा कर सकते हैं ऐसा। नीचे पावर डिनोमिनेटर के अंदर पावर प्लस में है तो ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और नीचे नेगेटिव है ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो यह दोनों ही पॉजिटिव थी, ऊपर जाते ही क्या होगी नेगेटिव। थ्री का इंटीग्रेशन होगा नहीं, थ्री बाहर आ गया। एक्स की पावर माइनस फोर का इंटीग्रेशन होगा, तो माइनस फोर प्लस वन अपॉन माइनस फोर प्लस वन प्लस टू बाहर आ गया। एक्स की पावर माइनस टू जो लिखा हुआ है, एक्स की पावर माइनस टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। यदि माइनस वन आता है ना तो उसी में ही लॉग आता है, बाकी माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर फिर नेगेटिव पावर आएगी तो उसका इसी कॉन्सेप्ट से अपन इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ऐसे नहीं कि माइनस वन में तो नहीं किया, माइनस वन में क्या हो रहा था जीरो बन रहा था। यदि माइनस वन होता तो यहाँ पे क्या होता था माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन तो जीरो बन जाता, इसलिए माइनस वन के लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, नीचे आते ही पावर प्लस की रहेगी और उसका लॉग हो जाएगा। लेकिन नेगेटिव में यदि टू थ्री फोर ऐसी पावर है तो उसका इस कॉन्सेप्ट से, इस प्रोसीजर से इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। तो थ्री का थ्री, एक्स की पावर माइनस फोर प्लस वन एक्स की पावर माइनस थ्री अपॉन माइनस थ्री प्लस टू एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन माइनस वन अपॉन माइनस वन। इस थ्री से ये थ्री कैंसिल हो गया, तो देखो माइनस वन अपॉन ये पावर नेगेटिव है, नीचे आते क्या हो जाएगी पॉजिटिव एक्स क्यूब प्लस टू माइनस है ये, तो यहाँ पे माइनस का आ जाएगा माइनस का टू, एक्स की पावर माइनस वन है तो नीचे आते ही क्या हो जाएगी प्लस। ये अपना इसका सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। अब एक अगला अपना टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड या मैक्सिमा एंड मिनिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमा, अधिकतम एवं निम्नतम। मैक्सिमा मतलब हाईएस्ट, मिनिमम मतलब लोएस्ट। तो अधिकतम एवं उच्चतम मान किसी फंक्शन का कैसे निकालते हैं, जैसे एफ एक्स अपने को दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स फोर एक्स प्लस थ्री, फोर एक्स प्लस थ्री या फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये अपने को फंक्शन दे रखा है। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या रहेगी, इसकी हाईएस्ट वैल्यू या इसका मैक्सिमम या मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्स की किस वैल्यू पे आएगी, फॉर वैल्यू,
फॉर वैल्यू ऑफ x कि x के क्या मान पर इस फंक्शन का अधिकतम मान आएगा और x की किस वैल्यू पर इसका न्यूनतम मान आएगा, इसका मैक्सिमा x के किस बिंदु पर आएगा, x के किस मान पे आएगा और मिनिमा है x के किस मान पे आएगा, वो अपने को निकालना है कि इसका एक तो मैक्सिमम मान होगा एक मिनिमम मान होगा। ये फंक्शन जैसे 3 और 4 के बीच में आ रहा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 3 और हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4, इसके बीच में कुछ भी आ सकता है x के अलग अलग पॉइंट्स पे, x के अलग अलग कोऑर्डिनेट पे एक इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी और एक क्या आएगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो अपने को मिनिमा और मैक्सिमा निकालना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, इस ग्राफ के थ्रू अपन समझेंगे। यदि ग्राफ में भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है तुम्हारे को तो मैक्सिमम एंड मिनिमम बता सकते हो, कंसिडर कर सकते हो। देखो एक तो अपने पास ये वाला पॉइंट है, एक अपने पास ये वाला पॉइंट है और एक ये ए बी एंड सी, तीन पॉइंट्स है अपने पास ए बी सी। अब अपन एक फंक्शन मान के इसको सोल्व करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स अपने को दे रखा है। अभी अपने पता लगेगा या मैक्सिमा है या मैक्सिमा है या मैक्सिमा है, तीन अलग अलग अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं। तो y इक्वल टू एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स अपने को एक फंक्शन दे रखा है। तो फंक्शन का सबसे पहले क्या करना है अपने को, डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे पहला फर्स्ट क्या करना है अपने को, डिफ्रेंशिएट करना है किसका, जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। डिफ्रेंशिएट किया एफ एक्स का तो अपने पास क्या आया एफ डैश एक्स आ गया अपने पास, एफ डैश एक्स। डिफ्रेंशिएट किया तो एफ डैश एक्स या वाई डैश, जो मैं पहले वाले लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ कि डिफ्रेंशिएट करने पर डैश लगाते हैं, एक बार दो बार करते हैं तो दो बार डैश लगाते हैं। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, फिर अपने इस एफ डैश एक्स को किसके इक्वल पुट किया, जीरो के इक्वल पुट किया। किसके इक्वल पुट किया, जीरो के इक्वल पुट किया। जीरो के इक्वल पुट करने पर अपने पास x के मान आएंगे, x की वैल्यूज आएगी। अपने पास क्या आया, ये आया x इक्वल टू c, क्या आ गया अपने पास x इक्वल टू c। अब x इक्वल टू c पर अपन क्या करेंगे, जो फंक्शन था अपने उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड बार इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, एफ एक्स का, एफ एक्स का सेकंड बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसका सेकंड बार डिफ्रेंशिएट किया और अपन ने x की वैल्यू क्या रखी, c रखी। सेकंड बार डिफरेंशिएट करने के बाद जो आएगा उसमें x इक्वल टू c रख दिया। और यदि ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या x इक्वल टू c पर ये लेस देन जीरो आ रहा है, और थर्ड वाला हो सकता है इक्वल टू जीरो आ रहा है, किस पे, एक्स इक्वल टू सी पे। तो तीन कंडीशन बनी, या तो जीरो से बड़ा या जीरो से छोटा या जीरो। देखो पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, जो फंक्शन अपने को दे रखा है उसका एक बार डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट किया एफ डैश एक्स, फिर जो डिफ्रेंशिएट आया अपने पास एफ डैश एक्स, उसको जीरो के इक्वल पुट किया जिससे एक्स के मान आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू क्या आया सी, फिर सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर जो x की वैल्यू आ रही थी वो वैल्यू रखी। तो यदि इसका जो वैल्यू पूरे सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू, सेकंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव आ जाए तो मिनिमम होगा, तो क्या होगा मिनिमम या मिनिमा, और यदि नेगेटिव आए तो क्या होगा मैक्सिमा, और जीरो आए तो क्या होगा सैडल पॉइंट, क्या होगा सैडल पॉइंट, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, सैडल पॉइंट नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा, नो मैक्सिमा एंड नो मिनिमा एंड नो मिनिमा, ने तो मैक्सिमा आएगा और नहीं मिनिमम आएगा। यदि सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाए जीरो आ जाए तो, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमा और पॉजिटिव आएगा तो मिनिमा। देख उल्टा होता है, नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा हो रहा है और पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर ध्यान रखना, इसके अंदर ये है सैडल पॉइंट, ये क्या है सैडल पॉइंट, ये है सैडल पॉइंट, यहां पे न मैक्सिमा है एंड नहीं मिनिमा है, यहां पे क्या नहीं है, न तो मैक्सिमा है नहीं मिनिमा है। इस पॉइंट पे,
इस पॉइंट पे क्या आएगा, मिनिमम या मिनिमा, इस पॉइंट पे मिनिमा। थोड़ा सा अपने इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करने पर वापस उसी पोजीशन पर आ रही है, वापस उसी पोजीशन पर आ रही है तो मिनिमा हो गया। यहाँ से डिस्प्लेस किया तो वापस उस पोजीशन पर नहीं आ रही है, आगे मूव हो जाएगी, ये मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट, ये ग्राफ के थ्रू भी हो गया, और ये पूरा यदि फंक्शन है तो इस प्रोसीजर से मैक्सिमा एंड मिनिमा निकाल सकते हैं अपन। अपना अगला जो टॉपिक रहेगा, ये पूरा बेसिक फिजिक्स के फोर्थ लेक्चर थे, कंप्लीट हो चुके हैं। अपना जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन के बारे में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।